भारत ने 2023 वनडे विश्व कप का जीत के साथ आगाज किया है। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी 49.3 ओवर में 199 रन पर सिमट गई थी। स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 41.2 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 85 रन की पारी खेली, वहीं केएल राहुल ने 97 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम अब अपना अगला मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी। एक वक्त भारत ने शुरुआती 2 ओवरों में 2 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। ईशान किशन, कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने 165 रन के रिकॉर्ड साझेदारी निभाई और भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। विराट तो आउट हो गए, लेकिन राहुल ने यह तय किया कि वो बिना जिताए मैदान से बाहर न जाएं। राहुल ने पैट कमिंस की गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। हालांकि राहुल शतक से 3 रन से चूक गए। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। मिशेल मार्श खाता खोले बिना जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कोहली को कैच थमा बैठे थे। इसके बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने दूसरे मैच के लिए 69 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को कुलदीप यादव ने तोड़ा। उन्होंने वार्नर का कैच अपनी ही गेंद पर लपका। वार्नर 52 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 41 रन बना सके। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने कहर बरपाया। उन्होंने स्मिथ को बोल्ड किया। स्मिथ 41 गेंदों में 5 चौके की मदद से 46 रन बना सके। जडेजा ने फिर लाबुशेन और एलेक्स कैरी को पवेलियन भेजा। कुलदीप ने मैदान पर जमे रहे ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड किया। इसके बाद अश्विन ने कैमरन ग्रीन, बुमराह ने पैट कमिंस, हार्दिक पांड्या ने एडम जंपा और सिराज ने मिशेल स्टार्क को पवेलियन भेज ऑस्ट्रेलियाई पारी 199 रन पर समेट दी। भारत की ओर से जडेजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, वहीं कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को 2-2 विकेट मिले। मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और रवि चंद्रन अश्विन को 1-1 विकेट मिला। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। 2 रन पर भारत ने 3 विकेट गंवा दिए थे। मिशेल स्टार्क ने पहला विश्व कप खेल रहे ईशान किशन को उनकी पारी की पहली ही गेंद पर स्लिप में खड़े कैमरन ग्रीन के हाथों कैच कराया। इसके बाद दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को LBW आउट किया। वहीं आखिरी गेंद पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को वार्नर के हाथों कैच कराया। ऐसा होते ही सभी फैंस चौंक गए थे। सारी उम्मीदें कोहली और राहुल पर टिक गई थी। इन दोनों ने फैंस को निराश नहीं किया और सारा दबाव झेलते हुए टीम इंडिया को जीत तक ले गए। दोनों ने 165 रन की साझेदारी की। भारत का चौथा विकेट 167 के स्कोर पर गिरा। विराट को हेजलवुड ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 116 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 85 रन की पारी खेली। वहीं केएल राहुल ने 115 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन की पारी खेली। हार्दिक 11 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए, जबकि मिशेल स्टार्क को 1 विकेट मिला। वीडियो डेस्क, AmarUjala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।